भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी कोई कंट्रोवर्सी पवन सिंह से जुड़ती है वो अपने आप में ही बड़ी हो जाती है। पवन सिंह कभी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी करते ही नहीं, जैसे कि मेरा गाना लीक हो गया, मेरा गाना चोरी कर लिया, या फलाने का गाना पवन सिंह ने गा दिया और कोई उन पे क्लेम कर रहा है, या कोई ये कह रहा है कि पवन सिंह ने मेरा गाना गाया और मुझे क्रेडिट नहीं दिया। ये सारी कुछ चीजें पवन सिंह से जुड़ती ही नहीं है, या यूं कह लें पवन सिंह इसे अपने आजू बाजू भी पटकने नहीं देते। पवन सिंह के साथ जब भी कंट्रोवर्सी जुड़ी है भाई इस तरह की जुड़ी है जिसने न्यूज नहीं बम्पर न्यूज बनाई है। आपको बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी रीना रानी रही हूँ, दूसरी पत्नी नीलम सिंह रही हूँ, या फिर तीसरी पत्नी ज्योति सिंह, ये हमेशा न्यूज में बनी रही हैं। जी हाँ, ज्योति सिंह तो हमेशा अपने फैशन ट्रेंड की वजह से ज्योति सिंह ज्यादातर अपने फैशन ट्रेंड को लेकर न्यूज में बनी रहती हैं। उनकी और पवन सिंह की जिस तरह से रोमांटिक पिक्चर मीडिया में वायरल होती है उसे देखकर ये लगता है कि पवन सिंह अब अपने जीवन में काफी खुश हैं। लेकिन कभी वो समय भी था जब पवन सिंह की जिंदगी में काफी उथल पुथल था। बात है 2009 और 2010 की। जी हाँ, 9 और 10 के बीच की इसलिए कहेंगे क्योंकि इसी बीच पवन सिंह की मुलाकात भोजपुरी में स्ट्रगल कर रही एक्ट्रेस रीना रानी से होती है। रीना रानी मूलतः बिहार की हैं और पवन सिंह और इनके बीच करीब आने की वजह भी बिहार ही रहा है। दोनों तकरीबन एक ही जिले से बिलोंग करते हैं, तो आपको बता दें कि इन दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। एक फिल्मी सेट पर ये दोनों मिले और फिर दोस्ती इनकी कब प्यार में बदल गई इन्हें पता न चला। ऐसे भी रीना रानी के लाइफस्टाइल से पवन सिंह कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गए। पवन सिंह और रीना रानी में एज गैप भी था। पवन सिंह से रीना रानी तकरीबन 8 से 9 साल बड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, तो ठीक उसी तरह से पवन सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब पवन सिंह ने रीना रानी से शादी करने का फैसला लिया तो इसका विरोध सबसे पहले उनकी मां ने किया, क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि कोई तलाकशुदा औरत और एक बच्चे की मां पवन सिंह की पत्नी बने। पवन सिंह का उनके ही घर में इतना ज्यादा पुरजोर विरोध हुआ कि पवन सिंह से सभी ने बात करना बंद कर दिया। माँ को लगा कि अगर माँ बेटे से बात नहीं करेगी तो बेटा सुधर जाएगा और वो अपने लाइन पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि प्यार और इश्क में सब कुछ जायज होता है, तो ठीक उसी तरह से पवन सिंह के इस प्यार ने उनकी मां के प्यार को एक बड़ा ही धक्का दिया। जी हां, पवन सिंह वही बेटे हैं जो कि मुंबई में रहते हुए सुबह सबसे पहला कॉल अपनी मां को ही करते हैं। रीना रानी और पवन सिंह के प्यार में ये चीज़ आई कि उनकी मां को उन्होंने फ़ोन करना तक बंद कर दिया। अब आगे की कहानी आप देखिए। तब रीना रानी अपने पेरेंट्स के घर में अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। पवन सिंह का उनके घर आना जाना लग गया और धीरे धीरे इन दोनों ने शादी करने का फैसला बना लिया। जब इसकी खबर घर वालों को लगी तो घर वालों ने पवन का विरोध किया और बात करना बंद कर दी और उन्होंने रीना रानी से कोर्ट मैरिज कर ली। और अब पवन सिंह के घर में यानी कि मुंबई वाले घर में रीना रानी, पवन सिंह और उनका बच्चा यानी कि रीना रानी का बच्चा, जिसे पवन सिंह अब अपना बच्चा भी मानने लगे थे, ये तीनों साथ में रहने लगे। इन दोनों की शादी के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन पवन और रीना में खटपट होना शुरू हो गई। पवन सिंह को जरा भी नहीं अच्छा लगता कि रीना रानी उनके कैरियर में हद से ज़्यादा दखलंदाजी करती हैं और रीना रानी को ये ज़रा भी पसंद नहीं आता कि पवन का हर एक नई एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ जाता है। सुनने में तो उस वक्त ये भी आ रहा था कि पवन सिंह और रानी चटर्जी का अफेयर भी उसी दौरान चालू हुआ। जी हाँ, रानी चटर्जी और पवन सिंह का अफेयर उसी समय स्टार्ट हुआ और ये बात रीना रानी को कांटे की तरह चुभ रही थी। वो किसी भी तरह से अपना घर फिर से बर्बाद होता नहीं देखना चाहती थी।
उन्होंने कई बंदिशें लगाई, कई बार पवन के सेट पर पहुंच गई। एक बार पवन सिंह को ये भी कहा कि तुम उन हीरोइनों के साथ काम न करो जिनके साथ तुम्हारी नज़दीकियों की खबरें आजकल अखबार की सुर्खियां बनी हैं। लेकिन पवन सिंह को कौन रोक सकता है। महज 4 महीने की शादी और इतनी अनबन के बाद पवन और रीना का रिश्ता टूट गया। वैसे आपको बता दें कि इंडस्ट्री में कुछ ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि पवन ने कभी रीना रानी से शादी भी की थी। एलुमिनी के तौर पर जब रीना रानी पवन सिंह की ज़िंदगी से जाने लगी तो अच्छा खासा पैसा लेकर निकली और उन्होंने ये कहा कि उन्हें एक घर भी चाहिए, जो कि बाद में पवन सिंह ने उन्हें वो भी दिया। आज रीना रानी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी सीरियलों में भी आपको दिखाई देंगी। क्राइम पेट्रोल हो या सावधान इंडिया जैसे कई शोज में वो अक्सर दिखाई देती हैं। पवन सिंह के साथ शादी टूटने के बाद रीना रानी और पवन सिंह एक साथ कभी किसी फिल्म में ना दिखे और ना ही इन्होंने एक दूसरे का कभी सामना किया। पवन रीना रानी को इस कदर भूल गए जैसे कि रीना रानी कभी उनके जीवन में आई ही नहीं थी। लेकिन अगर बात करें उनके परिवार की तो भाई उनका परिवार इससे काफ़ी खुश था। रीना रानी के साथ शादी टूटने के बाद पवन सिंह का परिवार उनके साथ मुंबई ही शिफ्ट हो गया और पवन सिंह के साथ उनके बड़े भाई, भाभी और कभी कभी माँ, ये हमेशा उनके साथ यहाँ पर ही रहे। वैसे पवन सिंह की लाइफ का ये मुद्दा आज से जरा भी रिलेट नहीं करता, लेकिन भाई पवन सिंह और रीना रानी की पहली बार कोई फोटो मीडिया में आई है और वो लगातार वायरल हो रही है, तो इस पर खबर बनाना तो हमारा फर्ज ही था। वैसे मीडिया में अपने पर्सनल लाइफ की बात पवन सिंह कभी नहीं करते, वो भूल कर भी मीडिया को इसकी भनक तक लगने नहीं देते। लेकिन भाई पापराजिस की नज़र से पवन सिंह बच ही नहीं पाते। ऐसे पवन सिंह हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि वो मीडिया में सबसे ज़्यादा कठिन काम समझते हैं, क्योंकि मीडिया कौन सी बात का कौन सा मतलब निकाले और किस बात का तूल बना दे ये तो उन्हें भी नहीं पता। इसलिए वो बहुत डरते हैं मीडिया को इंटरव्यू देने में और शायद यही वजह है कि वो बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।